जोहार साथियों। तो झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जो है झारखंड में पारा शिक्षकों की बहाली का लेकर एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में क्षेत्रीय एवं आपका जनजातीय भाषा के शिक्षकों के लेकर, तो इसकी जो है कंप्लीट जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और दूसरा चीज कि इसका चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा और इसमें कितना मानदेय मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इसका आगे देखते हैं। देखिए ये जो देख रहे हो ये आपका झारखंड सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वैकेंसी आपका दिख रहा है। और इसमें आगे देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये आपका 15/3/2024 को ये आपका आया हुआ है। और इसका देखिए क्या इसका विषय है, विषय जो देख रहे हो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 कितना जिले 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों कक्षा वाले विद्यालयों प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी मास्टर के चयन मानदेय आदि के निर्धारण की स्वीकृति है। तो देखिए जितने भी आपका झारखंड के कुछ चयनित विद्यालय होंगे तो वहां पर प्रत्येक विद्यालय में एक टीचर की बहाली के लिए ये आपका आया है। अब देखिए इसका अगला यहाँ पर देखिए इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों किया जा रहा है सब देखिए। झारखंड सरकार राज्य के बहुभाषी बहुल नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने हेतु कृत संकल्पित है जिससे कि छात्रों के शिक्षण में उनकी भाषा बाधक नहीं बल्कि साधक की भूमिका निभाए। तो जैसे देखिए जो क्षेत्रीय भाषा से जो बच्चे लोग आते हैं उन लोगों को जो है इंग्लिश या हिंदी भी डिफिकल्ट लगने लगता है, तो उन लोगों का बाधक ना हो बल्कि वो क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाया जाए ताकि वो साधक बने। तो इसीलिए ये आपका किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय विद्यालयों या प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन या अध्यापन का कार्य किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चों के अधिगम प्रतिफल में देखने को प्राप्त होता है। राज्य में कक्षा एक से कक्षा दो के बीच छिनन दर 13.75%। देखिए छिनन दर जो देख रहे हैं ये 13.75% यानी बच्चों की वहां पर कमी देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बच्चों के मातृभाषा को विद्यालयों में व्यवहार में लाया जाए तो बच्चे सहजता से विद्यालयी परिवेश से जुड़ेंगे तथा उनका ठहराव विद्यालयों में लंबी अवधि के लिए होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन या अध्यापन की प्रक्रिया का असर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा पर भी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए निर्देशित करती है। तो देखिए एक शिक्षा नीति 2020 में आया था, उसमें भी कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा में आप अपने शिक्षा दीजिए। तो इस तरह से तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जितने भी आपका क्षेत्रीय क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा, यहाँ देखिए जो भाषा यहाँ पर लिया गया है संथाली हो खड़िया कुडुक मुंडारी मालतो बिरहोरी भूमिज असुर तथा ये सब आपका जनजातीय भाषा हो गया। क्षेत्रीय भाषा बंगला उड़िया पंचपरगनिया खोटा कुड़माली नागपुरी का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है। तो इन सब भाषा को लेकर जो है यहाँ पर देखा जाए टीचर की बहाली होगी। अब देखिए ये एक डाटा यहाँ पर दिया है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 259 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के मातृ भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिलावार विवरणी, तो देखिए जिलावार यहाँ पर आपको विवरणी दिखाया गया है कि कितना स्कूल है और कितना वहां पर स्टूडेंट है। तो ये देखिए गुमला जिला में जो है अभी खड़िया भाषा के लिए यहाँ पर 2380 स्टूडेंट है और इसमें से बॉयज जो है 1449 है और 931 जो इसमें गर्ल्स पढ़ रही है। इस यहाँ पर टोटल 31 स्कूल आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से लोहरदगा में है कुरुख के लिए यहाँ पर आपका चल रहा है 5794 यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं
और जिसमें से 2803 जो है ये बॉयज है और 2991 यहाँ पर गर्ल्स पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो देख रहे हो यहाँ पर टोटल 50 स्कूल है। यहाँ पर देखिए साहेबगंज में संथाली चल रहा है, संथाली में 4361 जो देख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट है, जिसमें से 2155 बॉयज है और 2206 जो है गर्ल्स, और इसमें टोटल यहाँ पर 53 जो है स्कूल है। खूंटी में मुंडारी चल रहा है, 3852 यहाँ पर टोटल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 2149 जो है ये बॉयज और 1703 जो देख रहे हो गर्ल्स, यहाँ पर टोटल 55 स्कूल आपका चल रहा है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में हो भाषा के लिए चल रहा है, 6235 स्टूडेंट टोटल, 3100 स्टूडेंट जो है बॉयज है और 3135 गर्ल्स पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 50 जो है यहाँ पर स्कूल है। सिमडेगा में खड़िया का चल रहा है, जिसमें से 1388 जो है स्टूडेंट है, 694 यहाँ पर देख रहे हो बॉयज और 694 यहाँ गर्ल्स भी है, यहाँ पर टोटल आपका 20 जो है स्कूल है। इसी तरह से 259 स्कूल है पूरे झारखंड में, जहां पर अभी क्षेत्रीय भाषा की जो है आपका पढ़ाई चल रही है, और यहाँ पर इस तरह का स्टूडेंट का टोटल डाटा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पर कुछ विशेष क्यों ये लाया गया है, ये सर्वे के तहत भी ये आया है। तो देखिए हाल के दिनों में यूनिसेफ देख रहे हैं, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ के द्वारा इससे संबंधित एक अध्ययन कराया गया है, जिसमें कोई शैक्षणिक सूचकांक यथा नामांकन विद्यालयों में ठहराव के साथ साथ अधिगम प्रतिफल में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए इस प्रयास के कारण शिक्षा के प्रति रुझान तथा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि को देखते हुए राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के संदर्भीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के चयन मानदेय आदि के निर्धारण हेतु चिन्हित प्रति विद्यालय एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जनजातीय बच्चों प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा से जुड़कर अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति अग्रसर हो सके। तो ये देखिए, ये आपका यूनिसेफ जो देख रहे हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड्स के तहत से जो आपका आता है, तो वहां पर भी इस रिसर्च के माध्यम से पाया गया है कि क्षेत्रीय भाषा में छात्रों को पढ़ाइए, ताकि वे लोग जो है जुड़े स्कूल से जुड़े हुए लोग। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इन लोगों की किस तरह से आपका यहाँ पर कंडीशन होगा, ये तो देख रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीज देखेंगे, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। तो इसका जो आधार होगा, देखिए किस तरह से चयनित किया जाएगा, तो यहाँ देखिए साफ बोला है कि विद्यालय में वर्ग 1-5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हो। तो देखिए आपकी चुनाव तब होगी जब 1-5 क्लास तक कम से कम 10 स्टूडेंट क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा बोलने वाला होना चाहिए। तो ऐसे ही क्षेत्र में ये टीचर की बहाली होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए विद्यालयों का चयन कैसे किया जाएगा। तो देखिए विद्यालय का चयन यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है, इस योजना है तो जिलावार स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक नोडल पदाधिकारी जो होंगे, विभागीय आदेश प्राप्त होने के पश्चात अपने क्षेत्राधीन सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को सर्वेक्षण हेतु निर्देशित करेंगे। विभागीय आदेश प्राप्ति के साथ ही जिला अंतर्गत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की बैठक कर समीक्षा प्रांत सर्वेक्षण का आदेश निर्गत किया जाएगा। तो ये एक आपका बैठक होगी और उसके बाद सर्वेक्षण किया जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्कूल का जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु विद्यालयवार बीआरपी या सीआरपी की टैगिंग करते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से जो है सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेगा, और वहां पर जो है क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए जो जितने भी छात्र वहां पर जागरूक हो रहे हैं उन लोगों के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए सर्वेक्षण में क्या सेम चीज यहाँ पर बात कहा गया है कि 1 से 5 तक के प्रति कक्षा 10 विद्यार्थी मानक इस तरह से होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, इसके उपरांत जो है आपका जो भी कार्य यहाँ पर आपका होगा, अब देखिए ये इसमें कौन कौन जो है इस आधिकारिक रूप से इन लोगों का होना चाहिए। मास्टर के चयन के लिए गठित प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सूची जिला स्तरीय समिति को संपुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप ये है, तो यहाँ पर उपायुक्त होगा जो अध्यक्ष, फिर उप विकास उपायुक्त ये सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पर सदस्य होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी इसका सदस्य है, उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पदाधिकारी जो कर्मी होंगे वो सदस्य होगा, और जिला शिक्षा अधीक्षक ये भी आपका इसका सचिव होगा। तो इन लोगों से आपको कराना है। नेक्स्ट यहाँ पर और देख लीजिए, ये आपका प्रखंड स्तरीय चयन समिति यहाँ पर एक बनेगी। देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के चयन हेतु प्रखंड स्तर पर एक चयन समिति संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे। तो देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO की अध्यक्षता में यहाँ पर एक आपका चयन समिति बनेगा, जिसमें से प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होगा इसका अध्यक्ष होगा, और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ये इसका सचिव होगा, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यहाँ पर सदस्य, और संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रभारी इसका जो होगा सदस्य होगा। तो उच्च जो विद्यालय होगा वहाँ के प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में देखिए किस तरह से चयन होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के चयन हेतु निम्नांकित अर्हता का निर्धारण किया जाता है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी +2 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता, इंटरमीडिएट में उपयुक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए इंटरमीडिएट यहाँ मिनिमम जो योग्यता है आपका इंटरमीडिएट, और उसमें एक आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होना और उसमें पास करना यहाँ पर अनिवार्य है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उम्र सीमा 21 वर्ष से अधिकतम जो उम्र सीमा होगी वो 45 वर्ष, यानी मिनिमम जो उम्र सीमा है वो कितना 21 वर्ष और अधिकतम कितना 45 वर्ष आपका उम्र सीमा होगी। चयन प्रक्रिया जो है ये आपका मेघा सूची तैयार किया जाएगा। देखिए जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों की संपुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के सूचना पट तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा उसे प्राप्ति की तिथि को ही पंजी में सूचीबद्ध किया जाएगा। चयन हेतु मेघा सूची मानक के अनुसार तैयार किया जाएगा। तो देखिए चयन हेतु किस तरह से यहाँ पर सूची तैयार किया जाएगा, मैट्रिक में जो आप परसेंटेज जो भी लाए हो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 20 अंक मिलेगा, इंटरमीडिएट का 30 अंक, तो मैट्रिक और इंटर तो अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपका 50 अंक इससे बनता है। और यदि आप इंटरमीडिएट में आपका क्षेत्रीय भाषा है तो यहाँ पर आपका 10% यहाँ पर आपका 10 अंक मिलेगा। स्नातक किए हो तो इसके लिए 20 अंक मिलेगा, और स्नातकोत्तर यानी MA किए हो तो यहाँ पर 10, और यदि आप BEd किए हो तो उसका भी 10। तो इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह से आपका रैंक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर रैंक बनने के बाद यहाँ पर इस तरह से अधिकतम प्राप्त अंक वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा, जिसका भी अधिकतम अंक आएगा उसका चयन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए अपीलिए आपका अधिकार है, यदि मान लेते हैं आपको कुछ त्रुटि आपका लगा कि किसी अन्य का हो रहा है तो इस तरह से आप अपील के लिए यहाँ पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आपको चयन जब होगा, चयन होने के बाद देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, योगदान प्रक्रिया, चयन सूची के प्रकाशन के उपरांत चयनित मास्टर को 1 माह के अंदर विहित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पास अपना योगदान समर्पित करना होगा। तो देखिए
अपना जो अध्यक्ष होगा, प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष होगा, वहां पर आपको योगदान देना पड़ेगा। और दूसरा, मानदेय का क्या क्राइटेरिया, देखिए संबंधित मास्टर को विभाग द्वारा निर्धारित प्रत्येक शैक्षणिक कार्य दिवस में अलग अलग कक्षाओं में अधिकतम 3 घंटी के माध्यम से संबंधित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रसारित करना होगा, जिसके आधार पर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित या बीएड को प्रत्येक घंटे 200 की दर से अधिकतम 600 रुपया प्रति कार्य दिवस की दर से देना होगा। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित या बीएड जो ट्रेनिंग किया हुआ जो टीचर होगा, उसको 200 से लेकर 600 तक प्रति प्रतिदिन जो है प्रति कार्य, मतलब एक कार्य दिवस में इतना आपको मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, जो ट्रेन टीचर नहीं होगा दे होगा तथा अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटी 120 की दर से अधिकतम 360 रुपया प्रति कार्य दिवस की दर से दे होगा, जो संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति एवं ली गई घंटी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह अधिकतम कार्य दिवस जो होगा ये 25 दिन होगा, 25 दिन की गणना की जाएगी, यानी एक माह में 25 दिन का कार्य दिवस आपका बनने वाला है। अब देखिए, ये जो देख रहे चयन की अवधि कितना है ये भी जानना जरूरी है। यह चयन एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा, मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि आपका चयन किया जा रहा है तो मात्र एक साल के लिए। अनुशासनात्मक, यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो सकता है, अनुपस्थिति, कदाचार या असंतोष, कार्यकलाप आदि समरूप कारणों के आधार पर संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति के स्तर से कारण परीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पक्ष के आधार पर उन कारणों को अभिलिखित करते हुए मानदेय में कटौती तथा प्राप्त की गई सेवा से मुक्त किए जाने आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति होगी। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं आप कुछ गलती करते हो, तो अगर आपको हटाने या मानदेय में कटौती करने का जो अधिकार है, ये आपका प्रखंड स्तरीय चयन समिति को ये आपका अधिकार है। कार्य का मूल्यांकन, वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन की जवाबदेही संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति को ही ये होगी। ये देखिए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, और ये जो देख रहे हो, जहां से ये आपका जिसके द्वारा ये आपका सत्यापित करके इसको, इस नोटिस को निकाला गया है, वो है आपका, ये यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, उमा शंकर सरकार के प्रभारी सचिव हैं इसके द्वारा। और इधर देखिए, ये आपका उमा शंकर जो सरकार के झारखंड राज्यपाल के आदेश से ये आपका लिया गया है। तो चलिए, ये रहा आपका जो है प्राशिक्षकों की जिस तरह से आपका भर्ती हो रही है, वो आपका मुख्य रूप से देखा जाए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को लेकर है। तो चलिए, हम लोग फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।